क्या होगा अगर कैंग दी कॉन्करर और मैड टाइटन थानोस के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। तो इस फाइट को हम दो पार्ट्स में देखेंगे, पहला अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स हो और दूसरा अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स ना हो। बात करें बिना इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थानोस की, तो इवन बिना इन्फिनिटी स्टोन के भी थानोस एक चलता फिलता पावर हाउस है जो की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसने हजारों प्लैनेट्स के करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया है। जबकि कैंग फ्यूचर से आया हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, बस वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और उसके पास फ्यूचर के कुछ एडवांस वेपन और एडवांस टैग है। पर थानोस बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है जो कि सभी एवेंजर्स से अकेला भिड़ गया था और फिर भी उसके सामने कोई खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए कैंग की किसी भी वेपन का उस पर कोई भी असर नहीं होगा। कैंग के पास उसके मल्टीपल वेरियंट्स की बहुत बड़ी आर्मी है, पर थानोस के पास भी उसकी चितौड़ी सेना है जो की क्या कर सकती है ये तो एंड गेम में देख ही चुके हो। थानोस एक अल्टीमेट किलिंग मशीन है जो की एक ही सेकंड में कैंग और उसके आर्मर को मल्टीवर्स से तो नहीं पर एटलीस्ट अपने यूनिवर्स से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और मार्वल का ये मल्टीवर्स लेवल थ्रेट थानोस के आगे दो मिनट भी नहीं टिक पाएगा। और ऐसे भी जो एंटमैन 3 में एंटमैन से आने वाला है उसको तुम थानोस से क्या ही कंपेयर करोगे, क्योंकि एवेंजर्स की पूरी टीम से अकेला भिड़ गया था। और अगर थानोस को सभी इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाए तो वो सिर्फ एक चुटकी बजाकर कैंग और उसके सभी वेरियंट्स को एक ही सेकंड में एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है। इन दी एंड कैंग ना ही थानोस को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि थानोस कैंग को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है, इसलिए थानोस इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा थानोस ही। हाँ, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कैंग टाइम में पीछे जाकर बेबी थानोस को ही मार दे, पर इस सिनेरियो में थानोस और कैंग की कभी फाइट ही नहीं होगी, इसलिए अगर कैंग ऐसा नहीं करता और मल्टीवर्स या फ्यूचर में कभी इन दोनों के बीच में फाइट होती है तो थानोस इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।